हम लोग पहुंच चुके हैं आंखों की सर्जरी कराने के लिए इस वाले हॉस्पिटल में। यहाँ से लिया ब्लड का सैंपल। रवि जी कॉफी। कॉफी पी ली है मेरी ये। हैप्पी जर्नी। खाना खाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि कल इनकी आंख का ऑपरेशन होने वाला है, तो इनकी इच्छा है कि हम बाहर खाना खाने के लिए जाएं। 15 दिन तक नहीं खा सकती बाद में, इसलिए मैं आज खिचड़ी खाना है। खिचड़ी बस यही खाना है इनको, जैसा खाना खाना है। पौष्टिक तो वही है। यस तंदुरुस्त हो जाऊंगी खा खा के, पेट भी कम हो जाएगा मेरे। और नीकू देखो आयुष के जैसे क्यूब सॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है नीकू? क्यूब सॉल्व कर रहा है ना। हाँ तो सब रेडी हो चुके हैं देख लो, तो हम बाहर खाना खाने के लिए जाएंगे। चलो चलते हैं। आदो सब रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हम खाना खाने के लिए बाहर। इन्होंने हाजमोला पहले ही खा लिया, खाने को पुराने खाने को पहले पचा लिया, अब नया खाना खाएंगे। अच्छे से पक जाए। मेरा भी वाला पहले वाला इसने भी तो खाई है, पहले आज बोला खाई है भी खाई तो बाहर पहले से खाया पिया बचे। चलो बाय बाय, साथ में हो बाय बाय किससे कर रही हो? हेलो 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 हाँ बाय। तो अभी हम लोग हैं जोधपुर के सबसे बड़े ब्रिज पे और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। यहाँ पे एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं होता, बस लोग अगर साइड में खड़े हो जाते हैं तो फिर भी चांस होता है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, अदरवाइज तो यहाँ कोई चांस नहीं होता एक्सीडेंट होने का। और चारों तरफ से गाड़ियाँ आराम से निकल सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने की तरफ कितने मस्त लग रहा नज़ारा, सच सुंदर सा देखने को। और वो उधर जोधपुर का किला भी आपको देखने को मिल जाएगा, रात हो रखी है इसलिए नहीं दिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शास्त्री सर्किल और यहाँ पे हम खूब सारा खाना खाएंगे। अब टूट पड़ेंगे हम सारे ढाबों पे। तो अभी भैया ने मस्त बर्गर पैक कर दिया है और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, खा के देखेंगे कैसा बना है। खाना पीना हो चुका है, हम घर को निकल गए हैं वापस। खूब एंजॉय करके आ गए, एकदम मस्त तरीके से खा लिया हमने, पैक भी कराया खूब सारा खाना भी। देखो ये रहा, मन नहीं भरा वहाँ पे इसलिए खाना पैक करा। बस बर्फ का गोला रह गया उसका मन कर रहा है इन सब लोगों का, देख लो आगे खा लेंगे। तो हम यहाँ पर डीजल भरवाने के लिए रुके, देख लो पैसे कटेंगे। टाटा बाय बाय। जना भाभी जी देख लियो फोन, बढ़िया आ रहा हूँ वीडियो आ रहा हूँ व्लॉग। नहीं अभी तक व्लॉग देख लिया। देख लिया मेरा और देख लियो थे धा पर देख लियो बात, थोड़ी देर बाद में आंखें का ऑपरेशन हो जी था के बिग बाद में कम कम 5-7 दिन तो थे कोई चीज को देख सको। 15 दिन
15 डेज के लिए आपकी आंखों पे काला चश्मा चढ़ जाएगा, उसके बाद में आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। हाँ बट घंटी और टन 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 बेसा की पगा को ऑपरेशन थोड़ी है। अच्छा कोई अंधे को रास्ता दो। पहले प्रैक्टिस और भी आपको अगर कुछ देखना है, भगवान के दर्शन अगर उस तरफ करने हैं तो आप कर लो। तो आप पूछो मत, मेरे तो डबल काम होने वाला है, तो आप देख लो। लिपस्टिक है, काजल है, वो मैडम ले ली। पर आज यहाँ तैयार होके खाना बना रहे हो, क्या हुआ? अरे कहाँ गया, क्या मतलब क्या तैयार किया मैंने? बनाया क्या है खाने में? पूरी बना रही, पूरी 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 अभी नहीं, पूरी खीर। ओ खीर, सब्जी, आलू और चपाती। पापा मैं ये खा नहीं सकती ना। नहीं खा तो आप सकते हो, आपकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, दांतों का नहीं हो रहा है। नहीं वो डॉक्टर मना करेगा ना, इसलिए वो ये सब आप नहीं खा सकती। खिचड़ी और दलिया है ना। भाभी जी आपको मैं पहले खून की टेस्टिंग करा देते हैं, उसके बाद में आपको वहाँ जमा करा देंगे अस्पताल में। जमा कराओगे, एडमिट कराओगे? हाँ वही एडमिट जमा करा देंगे। उसके बाद में फिर मैं मीनू को ले जाऊंगा और फिर निकू भी सो जाएगा। तब तक सो जी अबे, ठीक है मैं ये वीडियो देखूंगा। ये आप, हम आपके संजय बन जाएंगे, आप धृतराष्ट्र बन जाना, हम आपको बताते रहेंगे कि भाभी जी अब वीडियो में ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। ये देखो निकाल, बाकी ये मगरमच्छी आंसू रहने दो। आग निकाल देंगे, आग भी दिखाएंगे कैसा होता है आग का ऑपरेशन। आग निकाल देंगे, मेरे तो राखी बहुत अफसोस कर रही है, मेरा मिस करेंगे। पूड़ियां भी खानी है, दबा दबा के खाना खाएंगे। गौर से देखिए, अगर आपने मगरमच्छ के आंसू नहीं देखे तो कुछ इस तरीके के होते हैं मगरमच्छ के आंसू। इसके आंख में दिख रहा है, किधर भी देखो देखो पानी दिख रहा है। मगरमच्छ का आंसू है नहीं? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मेरे को तो। इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और तकलीफ सहन कर ले बच्चे। तो आज हमारे घर पर खीर, आलू की सब्जी और पूरी बनी है, तो चलो खाते। खाना खाने के बाद में हम लोग इनको लेके जाएंगे ऑपरेशन करवाने के लिए। पहले ब्लड, हाँ पहले पहले ब्लड दिलवाएंगे, उसके बाद में इनको जमा कर देंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आंखों की सर्जरी कराने के लिए इस वाले हॉस्पिटल में। ब्लड का सैंपल हमने दे दिया है, यहाँ से दिया है ब्लड का सैंपल। इधर इधर यहाँ देखो कितना दर्द हो रहा है, अब ठीक हो दर्द। चलो तो अभी एक पोपट हो गया, हम लोग हॉस्पिटल तो पहुंच गए थे बट हम फाइल ले जाना भूल गए, तो मैं अभी फटाफट से घर जाता हूँ, पहले फाइल लेके आता हूँ। तो अभी घर से फाइल ले ली है, अब फटाफट चलते हैं वापस से हॉस्पिटल और ये फाइल जमा करा देते हैं। तो इन्होंने रूम में आते ही छेड़खानी शुरू कर दी है अपनी और रूम में उजाला ही उजाला कर दिया है। तो ये है पेशेंट के लिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे रूम, मस्त एसी लगा हुआ है, दो बेड लगे हुए हैं और ये रहे हमारे पेशेंट हमारे सामने। कुछ देर बाद इनकी सर्जरी होने वाली है। घबराहट हो रही है? घबराहट कुछ नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी अंधी हो रही हूँ। थोड़े थोड़े अंधे हो गए, ये कितने? ये तो दिख रहे हैं, चार है, दो, एक, एक। टाइम पे अगर सर्जरी होती है तो इतना नहीं बढ़ता है, पर इन्होंने तो इन्होंने तो इसको पाल पोस के बड़ा किया है। ऑपरेशन हो जाओ ना, ऑपरेशन हो जाओ, जो जल्दी हो ले जो बे।
घंटे भी है ट्रन 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 घंटी घंटी ट्रन 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 बजा पूरी पूरी फीलिंग लो करंट भी आस का है राखी बन गई ठीक है भाभी जी ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू हैप्पी जर्नी जाओ भाभी जी कॉफी पी ली है मेरी है एक ये परी भरी भी पड़ी है पूरी इतनी खुशी हो रही है कि मैं रिटर्न आके पीऊंगी छोड़ के जा रही हूँ ये कॉफी को इतनी खुशी हो रही है हमारे को बहुत खुशी हो रही है तो अभी बिना कॉफी पिए जा रहे हैं ऑपरेशन करवाने के लिए भाभी जी हैप्पी जर्नी तो अभी फाइनली इनका ऑपरेशन हो चुका है बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है ऐसा लग रहा है अभी तक तो पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इनको अभी तो अभी तो वैसे भी सुन हो रखा है तो दर्द होगा भी नहीं आपको चलो अब चलते हैं नीचे फिर चलेंगे घर पे चलो फिर चलो तो ऑपरेशन हो गया है भाभी जी का तो हम लोग यहाँ हॉस्पिटल से निकल चुके हैं की ओर पीछे आराम से बैठे हैं वो उनको भी दर्द वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है पीछे बैठे हैं वो और है तो अभी बताएंगे नहीं घर पे जाके बताएंगे तो गाइस हमारी भाभी जी का फाइनली आंख का ऑपरेशन हो चुका है हमारा खाना पीना हो चुका है भाभी जी सो चुके हैं तो हम इस वीडियो को यहीं पे लॉक करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग बाय अरे निकू तो ये रहा अरे निकू कहाँ गया निकू कहाँ है निकू निकू अरे निकू तो ये रहा I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.